आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको मुखर होकर बोलना पड़ेगा, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेसी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेसी है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेसी है कि 1947 के बंटवारे के वक्त दोनों तरफ लहू लहू मंजर था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े और उन्होंने मौलाना आजाद साहब को सीने से लगाया और अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, आपको बताना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है जिसने अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपको बताना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है जिसने बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, आपको बताना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है जिसने अब्दुल रहमान अंतले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, आपको बताना पड़ेगा कि वो कांग्रेसी है जिसने सलमान खुर्शीदी के नेता जो अभी छोड़ के चले गए उनको कितने कितने कैबिनेट मंत्री दिए, वो कांग्रेसी है। और तो और वो कांग्रेसी है जिसने एके एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया, वो कांग्रेसी है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले सरदार को उठाया और उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आपको जवाब देना पड़ेगा, जो प्रोपेगंडा फैलाया जा रहा है वो जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे शिकायत के लहजे में यह बात कह रहा हूं, जवाब देंगे कहां आप? मैं आप सबसे यह शिकायती बात कह रहा हूं, मैं एक्टिव रहता हूं लगातार, मैं बहुत कम लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पे एक्टिव पाता हूं। आप पदाधिकारी हैं, अगर आप पदाधिकारी हैं तो राजनीति में क्यों है? राजनीति में इसलिए है कि राजनीति करेंगे, भौकाल रहेगा, चारों तरफ माहौल रहेगा। कैसे बनेगा माहौल जब आप ट्विटर पे एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे प्रॉपर एक्टिव नहीं है, आप जिस जिले के जिला चेयरमैन है उस जिले का आपका अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, आप अगर मुंबई उत्तर के हैं, मुंबई पूर्व के हैं, जिस जिले के भी हैं, तो एक्टिव होइए। आप ये मत सोचिए कि आपको देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल आकर के कवर करेगा, वो तभी कवर करेगा जब आप कोई विवादित काम करेंगे तब कवर करेंगे। अच्छे काम पे आप कुछ भी कर दो आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो फिर माध्यम क्या है अपनी बात पहुंचाने का, जरिया क्या है? जरिया खुद पैदा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे मैं किसी को एक्टिव ही नहीं देखता। अगर मैं यहां खड़ा होकर के पूरी ईमानदारी से कहूं कि मैं मुंबई कांग्रेस के किसी एक एक्टिव पदाधिकारी को सोशल मीडिया पे ट्विटर पे बहुत ज्यादा पाता हूं तो शायद ये मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं शायद बहुत ज्यादा एक्टिव किसी को नहीं पाता हूं, बस एक आध दो चेहरे बड़ी मुश्किल से होंगे। क्यों क्यों नहीं है? एक्टिव होइए, अपना काम दुनिया को दिखाइए, पैकेजिंग करिए। आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं और यहां का कोई संगठन उन्हें बुलाता है, कोई गुजराती समाज बुला रहा है, कोई बिहारी समाज बुला रहा है, तब भी यहां मीडिया के जरिए प्रचार क्या करवाया जाता है कि अमेरिका की सरकार ने बुलाया। ये है पैकेजिंग, इस पैकेजिंग को समझना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर लेने के लिए भले ही अमेरिकी सरकार का कोई मंत्री तक ना आए, लेकिन प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है? कैसा लग रहा है जैसे बस बाइडेन साहब ने बिल्कुल पलक पावड़े बिछा दिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैकेजिंग कैसे अच्छी हो सकती है। आप तो काम कर रहे हो, जब काम कर रहे हो, मैं पिछले 3-4 दिन में जो पूरी मुंबई में घूम रहा हूं, मुझे खुशी है कि समीर को मैंने देखा, मैं कल सिकंदर आजम को देख रहा था जब मैं उधर गया था संजय निरुपम जी के यहां, मैं अमीन भाई के यहां गया तो वहां शमीम साहब थे, तो मुझे खुशी हुई, सरफराज साहब लगातार साथ थे, मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक्टिव है आप और आपके पास लोग भी हैं। मुझे खुशी हुई कि कांग्रेस का झंडा दिख रहा है, कांग्रेस का झंडा लहराता हुआ मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो खुशी होती है। एक चीज जान लीजिए, आप जिस संस्थान से जुड़े हैं जब तक उसे बड़ा नहीं बनाएंगे आप खुद बड़े नहीं बन सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। राजनीति व्यक्तिगत चीज नहीं है, राजनीति पर्सनल जैसा कुछ नहीं होता। राजनीति राजनीति में जो कुछ है सब कुछ सार्वजनिक है। पार्टी से आप जुड़े हैं, पार्टी बड़ी बनेगी। अभी कर्नाटक का चुनाव जीते आप ना, खुशी हुई कि नहीं हुई? जीते तो कर्नाटक बना, आपका क्या था? मुंबई में आपने पटाखे क्यों फोड़े? क्यों? क्योंकि जब कर्नाटक जीते तो आपको लगा कि नहीं हमने जवाब दिया है, क्योंकि आपका पार्टी से प्यार है। इसको और बड़ा बनाइए, संगठन को और बड़ा बनाइए, और सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक्टिव होइए, अपने अच्छे काम सब
मेरा मानना है कि सब ठीक ठाक लोग हैं, सब कहीं ना कहीं संसाधन है, रिसोर्सेस है आपके पास, तो अगर खुद नहीं चला सकते, बुजुर्ग है, सोशल मीडिया को लेके अपडेट नहीं है, तो कोई एक लड़का साथ में टीम में जोड़ लीजिए जो आपका सोशल मीडिया हैंडल करे। कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा आपका प्रचार प्रसार दुनिया के सामने हो। राहुल गांधी जी पूरे देश में कौन सा पैगाम लेकर के जा रहे हैं ये आप दुनिया को बताइए, ये आप अपने लोगों को बताइए, वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें आपके जरिए पता चले, किसी टीवी चैनल को देखने के बजाय ऐसी हालत कर दीजिए कि आपका जो सामने का आपका जो समर्थक है वो टीवी चैनल से ज्यादा आपकी पोस्ट पर सवाल करे कि आज जो शमीम ने पोस्ट किया है वो ऑथेंटिक है, एबीपी न्यूज ने जो कहा है उसे नहीं मानेंगे। ये जरिया आपको पैदा करना पड़ेगा। दो बातें मुझे और कहनी है। मैं जिस दिन से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जो मेरी पहली कोशिश थी वो ये थी कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं, ये अप्रोच बदलिए। मैंने बदलने की पूरी कोशिश की है। मैंने सबसे पहला कार्यक्रम किया तो मैंने सिख समाज का कन्वेंशन किया दिल्ली, फिर उसके बाद मैंने जैन समाज का कन्वेंशन किया। जब मैं जैन समाज का कन्वेंशन कर रहा था तो पार्टी के कई नेताओं ने मुझसे कहा कि जैन आएंगे, जैन क्यों आएगा, वो तो हमारा वोटर ही नहीं है। मैंने कहा जो हमारा वोटर नहीं है उसे अपना बनाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। देखो कांग्रेस पार्टी है जिसने जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, माइनॉरिटी का स्टेटस जैन को कांग्रेस पार्टी ने दिया, प्रदीप जैन आदित्य को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, संजय बापना को नेशनल सेक्रेटरी बनाया कांग्रेस पार्टी ने। हमारे साथ मरहला क्या है कि हम काम तो करते हैं गिना नहीं पाते, सामने वाला काम नहीं करता गिनाता इतना ज्यादा है। हिटलर ने कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। अभी आप भी कोई एक आदमी अपने पड़ोसी के बारे में एक बार कहेंगे नहीं यार ये आदमी तो बहुत बुरा है, तो आपके आसपास के लोग एक बार कहेंगे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन दूसरी बार अगर आपने कहा कि नहीं यार मैंने देखा ये आदमी बुरा, तो उनके विरोध का स्वर थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, बोलेंगे हाँ नहीं यार ठीक है आदमी बुरा नहीं। लेकिन अगर आप तीसरी बार कहोगे चाहे वो झूठ ही है तो उसको भी लगेगा कि यार ये बार बार कह रहा है इसका मतलब सच कह रहा है। ये काम किया सरकार ने पिछले 70 साल में, कांग्रेस ने किया क्या है, ये ढिंडोरा पीटते रहे और एक पूरी नस्ल ने मान लिया कि हमने किया क्या है, हमने क्या नहीं किया। मैं अभी जब छात्र सम्मेलन में था अहमदाबाद में तो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, इस देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं यूजीसी से लेकर के आईआईएम से लेकर के आईआईटी से लेकर के इसरो से लेकर के निफ्ट से लेकर के सब कुछ कांग्रेस ने बनाया, भाजपा ने क्या बनाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई और उसके जरिए सुबह से शाम तक एक ऐसा कचरा जहनों में परोस दिया जाता है कि आप दिन भर उनको कुछ समझाते नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये साफ कैसे होगा, इसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, और वो बात कभी हो सकेगी जब आप खुद अपडेट होंगे। जब आप खुद ही अपडेट नहीं होंगे तो दुनिया को क्या समझाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी के साथ एक टाइम निकालना पड़ेगा, और आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस समाज के बीच में जाकर के संवाद करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है बब्बू जी से और अहमद साहब से कि डिपार्टमेंट में सिख समाज का प्रतिनिधित्व तो और बढ़ाइए, जैन समाज का प्रतिनिधित्व तो और बढ़ाइए, बौद्ध समाज का प्रतिनिधित्व तो और बढ़ाइए। पहले होता यह रहा है कि वर्षा ताई जी बौद्ध समाज से हैं तो वो आ गई तो लगा कि सब बराबर हो गया, नहीं, जब तक जिले लेवल पर ब्लॉक लेवल पे आप प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, विधानसभा तक प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, तब तक पूरा समाज कैसे जुड़ेगा। तो उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और दीजिए, जरूरी है। दूसरी बात कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ना चाहिए। आप आधी आबादी को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। आज महिलाएं हर चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और आप सोचेंगे नहीं जो शोहर ने कह दिया, जो पति ने कह दिया उसी बुनियाद पे जाकर के वोट डाल के आएगी तो क्यों डाल के आएगी। वो भी टीवी देख रही है, वो भी सोशल मीडिया देख रही है, वो भी एक्टिव है हर जगह, तो उनकी अपनी राय भी बहुत मायने रखती है। और उस समाज को जोड़ने के लिए, यानी कि महिला समाज को जोड़ने के लिए, तो आपको महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाइए, प्रतिनिधित्व दीजिए, कमेटी थोड़ी बड़ी बन सकती है तो बनाइए, दिल बड़ा करिए, लोगों को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप देंगे तो अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा। मैं बतौर अध्यक्ष पहली बार
मुंबई कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कार्यकारिणी का हिस्सा बना हूं। और अब यह सिलसिला यहां रुकेगा नहीं। महाराष्ट्र का मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि दो तो यहीं पे वो शख्सियतें बैठी हैं जिनके वोट से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा और वहां जाकर आवाज उठा पा रहा। और इन्होंने सिर्फ वोट नहीं दिया, मैं वर्षा जी को बहन क्यों कहता, अमीन भाई को भाई क्यों कहता, क्योंकि मैं जिस मुश्किल वक्त में, चुनाव किसी के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त होता है, 24 साल बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, वरना इससे पहले तो अनपोज हो जाता था, नॉमिनेशन होता था और डिक्लेरेशन हो जाता था कि फलाने बन गए फलाने बन गए। मेरे ही टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने 10 दिन जो चुनाव को झेला है, और वो भी कितनी मुश्किल वाला चुनाव, और 10 चुनाव के बाद जो 8 घंटे काउंटिंग रुकी थी, वो जो मुश्किल लम्हा था उससे मुश्किल लम्हा जिंदगी में शायद ही कभी आए। मुझे याद है कि जब बैलेट बॉक्स रख दिया गया, सारे वोट उसके अंदर थे, और ये था कि दिल्ली से इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा, 2 वोट जिनपे ऑब्जेक्शन था वो डिसाइड होंगे कि वो रद्द किए जाएंगे या एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी। तो मुझे याद है कि सारे बाकी कैंडिडेट भी आ जा रहे थे, लेकिन मैं था कि मैं चुपचाप बैठ करके दुआ पढ़ रहा था। तो किसी ने मुझसे कहा कि चलिए बाहर घूम के आते हैं, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं उठ सकता। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मुझे पता है बक्सा कैसे लूटा था। वो बड़े शानदार मतलब बहुत तजुर्बे वाले लोग थे, तो मैं उस मुश्किल से मिले हुए पद की अहमियत समझता हूं। यही वजह है कि पहले दिन से मैंने ये कोशिश की कि मैं पार्लियामेंट में पहुंचूं और बोलना शुरू करूं, तो कोई ये ना कहे कि नहीं मुसलमानों का नेता आया है, मुसलमानों का सांसद आया। मैंने पहली जो अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की वो स्टूडेंट्स की फी जो बढ़ी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उस पर बात की। ये कोशिश की कि वो जो बुनियादी मुद्दे, देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, भाजपा का जो ट्रैप है उसे समझना पड़ेगा। अक्सर मुझसे ये होता है कि टीवी चैनल वाले फोन करते हैं, इमरान जी ये टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप डिबेट में आए, तो मैं पलट के पूछता हूं कि उधर से कौन है, तो उधर से एक दो जो बड़बड़ी टाइप के जो प्रवक्ता उनका नाम बताया जाता है, तो मैं उनसे कहता हूं कि माफ करिए मैं जाहिलों से बहस नहीं करता हूं, ये कह के मना कर देता हूं। आपको उनके ट्रैक से बचना पड़ेगा, वो चाहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान पे बात करिए, क्योंकि उनकी सबसे फेवरेट पिच है ना वो, वहां वो स्ट्रांग है, वहां उनसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उस लेवल तक कोई जा ही नहीं सकता तो कैसे जीत पाएगा। ऐसे में आप उनको अपनी पिच पे कैसे ला सकते हैं, आप उनको कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आए और बात करें कि इस देश में दलितों के साथ क्या हुआ है, वो बात करें कि इस देश में अल्पसंख्यकों के जो हक है वो सरकार सिर्फ नारों में बता रही है, सच्चाई उसकी कहां है, सबका साथ सबका विकास कहने ने भर से काम नहीं चल जाएगा। आप उन्हें मजबूर करिए, उनसे यह सवाल पूछिए कि जब 15 अगस्त को देश की लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी महिला अधिकारों पर बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नारा देते हैं, महिलाओं को इज्जत देने की बात करते हैं, तो उसके महज 1.5 घंटे के बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जाते हैं और भाजपा के नेता उन्हें माला पहनाते हैं, उनसे इन मुद्दों पर सवाल पूछिए कि महिलाओं को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, दलितों को लेकर आपका स्टैंड क्या है, डेमोक्रेसी को लेकर के आपका स्टैंड क्या है। एक बात जान लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा कहीं, कि दुनिया में किसी भी देश में जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी तो जो पहली चोट होगी वो माइनॉरिटीज को होगी। वो दुनिया की किसी भी देश की माइनॉरिटी हो, वो कोई भी क्यों ना हो, इसमें इंसानियत जैसी कोई चीज ना हो, बल्कि उनके बनाए हुए कुछ तथ्य हैं और उनके बुनियाद पर देश चले, तो लड़ाई बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं महाराष्ट्र बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है और खासतौर से मुंबई, मुंबई मतलब मुंबई नहीं, मुंबई मतलब पूरा भारत, यहां से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग रहते हैं। यहीं पर अगर मैं देखूं तो हर समाज बैठा है और मेरा ख्याल है हर स्टेट से आए हुए लोग यहां पर बैठे हैं, तो मुंबई के निवासी हैं। मुंबई असल में भारत के जुड़ने का नाम है। राहुल गांधी जी के नारे को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई शहर चरित्रार्थ करता है तो वो मुंबई है।